खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। हापुड़ सदर से भाजपा के विधायक और प्रत्याशी विजयपाल आरती के काफिले पर सोमवार की रात कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान विधायक और कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विजयपाल आरती क्षेत्र में प्रचार कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो रात 11 बजे थाना देहात क्षेत्र के अयोध्यापुरी पहुंचे तो विधायक के काफिले पर पत्थरबाजों ने हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी का शीशा भी टूट गया। बताया जा रहा है कि विधायक और कार्यकर्ता इस दौरान बाल बाल बच गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में भाजपा के जिला प्रभारी मानसिंह गोस्वामी पर भी बाबूगढ़ के पचलोता क्षेत्र में हमला हुआ था। आलम टाइगर कल रात थाना हापुड़ देहात स्थित चैनापुरी मोहल्ले की एक गली में वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार वाहन खड़ा हुआ था, जिसे कुछ व्यक्तियों द्वारा ईंट मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस प्रकरण में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। संपूर्ण प्रकरण में आवश्यक विधि कार्रवाई करी जा रही है।